भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रावधान किया गया है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर खतरे की स्थिति में, वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में, न्यायालय की अवमानना की स्थिति में इस अधिकार को वर्धित किया जा सकता है। भारत के सभी अधिकारों को विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार का एक साधन ही है, इसलिए अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। संविधान के आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 19A के तहत बोलने की आज़ादी, 19B के तहत सभा की आज़ादी, 19C के तहत संघ बनाने की आज़ादी, 19D के तहत पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, 19E के तहत पूरे देश में बसने की और रहने की आज़ादी, 19G के तहत कोई भी व्यापार जीविका की आज़ादी। आर्टिकल 19A में भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने और अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रेस भी विचारों के प्रचार करने का एक साधन होता है, इसी कारण इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।